हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंपल्स आई टी जेई तो आज का क्वेश्चन है हमारा द वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज अलेवन पॉइंट टू वेपर डेंसिटी आपको दे चुका है एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई द एलेवन पॉइंट टू ग्राम ऑफ दिस गैस एट एन टी पी एस ठीक है ये चार ऑप्शन आपको है पहला ऑप्शन है आपका ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर बी है आपका अलेवन पॉइंट टू लीटर एंड सी वन लीटर एंड डी के टू पॉइंट टू फोर लीटर ठीक है ना ये बहुत क्वेश्चन जो है ना बहुत ईजी क्वेश्चन है ठीक है कोई हार्ड इसमें नहीं है ठीक है तो क्वेश्चन करते हैं

एलेवन पॉइंट टू टू ये हो जाएगा ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ये आपका होगा मोलिक्रो मास आपको निकल गया इतना ग्राम बोलो क्लियर है तो मोलिक्रो कितना आ गया ठीक है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ग्राम ठीक है अब आपको पता है कि ये ये जो मास है मोलिक्रो मास जो होता है या ग्राम मोलिक्रो मास ऐसे मैं बोल दू ग्राम मोलिकुलर मोलिकुलर मास जो होता है वो कितना आ गया ट्वेंटी टू पॉइंट फोर ग्राम वन ग्राम है ना वन ग्राम मोलग्रो मास जो होता है वो क्या होता है ट्वेंटी वही होता है एक मोल का मास होता है ना एक मोल ऑफ गैस है मतलब यही ना एक मोल गैस का मास क्या होता है वन ग्राम मोलग्रो मास के बराबर ही आता है आपको पता ही है क्लियर तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि एक मोल में कितने वॉल्यूम है? है होते हैं आपको पता ही ना ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर होते हैं एट एच टीपी ये कंडीशन ना भूले आप है ना तो अब आप, आपको ये पता चल गया वॉल्यूम एंड यहाँ पर ट्वेंटी हो ये वॉल्यूम एंड के बीच तो आप, आपको पता करना है, में कितने होते है? तो simple, बहुत इजी हो गया इजी हो गया कि 22.4 लीटर का मास होता है ट्वेंटी तो मैं लिख रहा हूँ ट्वेंटी पॉइंट ग्राम ऑफ गैस कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम होता है ट्वेंटी लीटर एट एच टी पी राइट तो भी बताओ मेरे पास कितना दिया है मेरे पास दिया है है। ग्राम ग्राम का पूछा तो आपका आएगा लीटर देखिए ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन देख लो ऑप्शन टू ऑप्शन बी क्लियर ठीक है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और लाइक करने के बाद आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए थैंक यू